फ्रेंड्स, बाजू के डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने इसकी लेंथ ली है 14 इंच पे। ये हमारा सेंटर है बाजू का। यहाँ से हमें दोनों साइड पे चुन्नर डालनी है। एक एक इंच पे हम यहाँ पे चुन्नर डालेंगे इस पे। दूसरी साइड भी एक एक इंच पे हम मार्क करेंगे। यहाँ से हम इस पे चुन्नर डालेंगे। इस तरीके तिरछे में हमें चुन्नर डालनी है। पहले हमने एक चुन्नर डाली है, फिर दूसरी साइड से डालेंगे, फिर हमें इस साइड से डालनी है, फिर दूसरी साइड से डालेंगे। यहाँ पे हम सीधी सीधे चला लेंगे। सिलाई लगा ली हमने इस पर। ये हमारी मोरी निकली है। अब हमें एक इस तरीके की पट्टी लेनी है 4 इंच की। और ये जो हमारे बाजू का जो रॉन्ग साइड है, उस साइड पे हमें इसे अटैच कर देना है। सिलाई लगाते हुए इस पट्टी को हम अटैच कर देंगे। अब हम इसे बाजू की सीधी साइड पलटेंगे। ये हमारे बाजू की सीधी साइड है और इस तरीके से हमें इस पट्टी को पलटना है। और यहाँ पे सीधी सिलाई चला लेंगे तरीके से। ये हमारी तैयार हो गई है। ऊपर भी हमें इस तरीके से चुन्नट रख के इस पर सिलाई चला लेंगे। ऊपर भी मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम इसके लिए पॉम पॉम बटन बनाएंगे। इस तरीके की पोर्टले बटन बनाएंगे। सुई धागे की मदद से हम इसे टाइट करके इस तरीके की पोटली बटन बनाएंगे। इस तरीके से सभी पोटली बटन बना लिए हैं। और जहाँ तक हमें मोरी की जो है बाजू की सिलाई लगानी है, वहाँ तक हमें ये रखने हैं। इस तरीके से हम मशीन से भी सिल सकते हैं, मगर हम इसे हाथ से सिलेंगे। हाथ से हमने इस तरीके से अपने पोटली बटन लगा लिए हैं। हाथ से बहुत ही आसानी से लग जाते हैं। ये हमारी बाजू तैयार हो गई है। हमें इसमें बाजू की सीधी सिलाई लगाएंगे। बाजू की सिलाई लगा ली है। देखिए बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन बन के आया है ये। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।